एडम एडम एडम, जिसको अक्सर नूब बोला जाता है, इसमें कुछ सच भी हो सकता है और कुछ झूठ भी। कौन होते हैं नूब्स? कैसे कोई प्लेयर्स नूब बन जाते हैं? कैसे कोई बंदे देखते देखते प्रो प्लेयर्स की लिस्ट की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं? क्या सच में सभी एडम्स नूब्स होते हैं, या ये सबसे खतरनाक होते हैं? आई थिंक खतरनाक होते, जहरीले होते, डस लेते, इसीलिए इंसान सावधान होके बचे। सो आओ यार, नल्लेपन को साइड में रखते हैं, एक और बार से ही कानों में हेडफोन्स को डालते हैं और शुरू करते हैं मेरी एक खतरनाक एडम कहानी को। तो हमारी कहानी शुरू हो चुकी है। ये कहानी शुरू होती है क्लॉक टावर से लेकर। क्लॉक टावर में मैं लैंड कर चुका हूँ और मेरे साथ साथ दो बंदे उतर चुके हैं। इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कहानी एंड हो जाएगी। कहानी को एंड तक लेने के लिए इन लोगों को एंड करना पड़ेगा, और एंड करने के लिए मेरे पास हथियार है UMP। UMP से मैंने बढ़िया डैमेज दे दिया, पर बंदा भाग गया और दूसरा बंदा उसका भी मेरे को कवर दे रहा है, उसको डैमेज मेरे को काफ़ी दे दिया, बहुत ही कम हेल्थ है। और फिर से एडम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास MP40 मिल चुका है, जो एकदम जहरीला गन है, मेरे लिए बेस्ट गन है, शायद हर एडम के लिए बेस्ट हो सकता है, नॉट ओनली मी, पर इससे भी अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट गन है गाइज, देसी कट्टा। ये आप लोग देख सकते हो हर किसी बंदे के पास, जिसके पास स्किन नहीं है उसके पास भी देख सकते हो। हम भी चलाते हैं वही देसी कट्टा, और नीचे हमको मारने के लिए ये बंदे आ रहे हैं। हमारी कहानी को मतलब फिनिश नहीं होने देते हैं ये, हमको रोकना चाहते हैं, हमारी कहानी को रोकना चाहते हैं गाइज। हम ये पॉसिबल होने नहीं देंगे, हमको देना नहीं है पॉसिबल होना, हमको मारना है, इनको ख़त्म करना है, हमारी कहानी को आगे बढ़ाना है। ओ भाई चलो गाइस, एडम हूँ पर कुछ तूफानी करूँगा। डैमेज दे दिया मैंने फिर से डैमेज, ओ माय गॉड, बहुत ही कम हेल्थ छोड़ दिया मेरा। रश करेंगे शायद, रश कर दिया इसने, डैमेज दे दिया। ये क्या कर रहा था तू भाई? नॉक हो गया वो, बचाएगा शायद बंदा, बचाने नहीं दूंगा भाई, पूरा खा लूँगा, जेबला डांस ना गो दस लूंगा मैं। नॉक हो चुका है फिर। Look at this dude. Wait till you see the. No. अभी भी जिसने नाक बन के डस लिया उनका सेंसिटिविटी ये है, अगर आप लोग यूज कर इस्तेमाल करना चाहते हो इसको तो कर सकते हो, ठीक है, एज अ बेंच मार्क करना। और इधर मैंने वेस्ट अपग्रेड कर लिया है, और ये देखो गाइस, नकाब के लिए गाइस हेलमेट है ताकि इसको पहचान ना सके, या डीजे आलोक है, एडम है, या कोई और भी कैरेक्टर है, एंड कुछ भी, ठीक है, इसीलिए मैंने नकाब पहन लिया है, हेलमेट सर पे, उसको डैमेज दे दिया हेड, मतलब हेड तो लगा था पर बंदा मरा क्यों नहीं। दो बंदे है गाइस फैक्ट्री साइड से आ चुके हैं, दो बंदे, मेरे को इन दोनों को मार के अपनी कहानी को और आगे बढ़ाना है, ठीक है, ख़त्म नहीं होने देना है। निकल नहीं रहा, निकल 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 भाई, तेरे को दूंगा मैं, और ख़त्म, यस। एक बंदा इधर पास में आ चुका है, इसको भी मारना है मेरे को, करना है गाइस कुछ ना कुछ, करना है तूफानी, करना है तूफानी मचाना है, इन लोगों को मार के जाना है मेरे को। और बंदा भाग रहा है, उसको शायद बचाने के लिए जा रहा है, मैंने डैमेज दे चुका हूँ, मर 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 हरा मर, ये हुई ना बात, दिस इज मी कॉल्ड जहरीला नाग, यो। तो हम आगे बढ़ चुके हैं और एनिमी स्पॉटेड हो चुका है गाइस, आगे दो बंदे शायद घर के ऊपर जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं गाइस, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं निकल रहे ये लोग, देखता हूँ कब तक नहीं निकले। ये निकला, पड़ा नहीं गोली, ये होना 84 का लगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दूसरा बंदा आ चुका है, और एक खत्म, ये हुई ना बात, कर दिया चढ़ाई गाइस, लूट उट कर लेते हैं, लूट वगैरह चाहिए होता है, क्योंकि लूट के बिना तो गाइस आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बुया करने के लिए कोई भी मैचेस, बुया करने के लिए अच्छा लूट, ठीक है, अच्छा आपके अकॉर्डिंग का गन, अगर आप MP40 यूजर हो, MP40 कट्टा यूजर हो, कट्टा एंड AR गन में आप एक्समेट चलाते हो, M14 चलाते हो, कोई भी गन, मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस अभी अपडेट के बाद में ना सबसे बेस्ट कट्टा है। बात मर जा बे, शॉर्ट रेंज के लिए कट्टा एंड लॉन्ग रेंज के लिए सबसे शायद M14। ये बंदा आया, डैमेज पड़ चुका है उसको,
ए गोली कहाँ? ओए भाग गया बंदा भाग गया। इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं गाइस। ओके सिटअप मारते हैं। ये गया बंदा। तो मैं क्या बोल रहा था, M14 की बात किया जाए तो गाइस खतरनाक है, खतरनाक बोलो तो रैपचिक इतना खतरनाक 40 40 40 का करके डैमेज देता है। ठीक है, मैंने पहले यूज किया है, पहले यूज किया था और बहुत ही मतलब उसका परफॉर्मेंस ना बहुत ही खतरनाक, पर मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ उसको क्योंकि स्किल्स लगता है स्किल्स थोड़ा तो कम हो जाएगा ऐसा फील होता है मेरे को। आप लोगों को कैसा फील होता है पता नहीं। मेरे लिए फेवरेट गनी एक्समेट है, M14 आप चला सकते हो, खतरनाक है। ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ। आप लोग कमेंट करना गाइस कौन सी गन आपको खतरनाक लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप जिसमें बहुत परफेक्ट हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने पहले भी वीडियोस डाला था जिसमें भी मैंने एक्समेट ही चलाया था। और एक्समेट की गाइस देखो विदाउट स्किन भी मैं इधर काफ़ी मतलब बढ़िया सा हेडशॉट मार रहा हूँ, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा देख के भी। ठीक है, तो मेरे लिए यही गन है गाइस बेस्ट क्योंकि मेरे को एकदम स्मूथ लगता है, ये प्रो प्लेयर लगता है गाइस। बहुत ज़्यादा PN क्या है नाम है, बहुत ज़्यादा किल आ रहा है, इसको हम मारेंगे बाबा। तो बंदा डैमेज थोड़ा बहुत दे दिया है मैंने, जाते हैं उसके पास मारेंगे गाइस, हमारी कहानी को एंड तक लेंगे। एंड उससे पहले नो चीटिंग, कितने किल होंगे मेरे गेस करो गाइस, जस्ट गेस। 10 किल हो चुके हैं, 6 बंदे हैं, कितने किल होंगे गेस करो। ऊपर भी बंदा है क्योंकि मैंने ऊपर वाले बंदे को मारा था। चलो ग्रेनेड फेंक देते हैं ऊपर की तरफ, सबको मार डालेंगे बाबा, सबको सबको डस जाएंगे। 191 का डैमेज पड़ गया बंदे को भाई, भाग रहा है बंदा, कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा भाई, ग्रेनेड से भाग ही नहीं पाएगा। हर जगह मैं ग्रेनेड फेंक दूंगा, लग तो जाएगा बाबा तुमको। और ये डाउन बंदा बेचारा। चलो ऊपर जाते हैं, ग्रेनेड तो फेंक दिया, लैंडमाइन ना हो जस्ट रास्ते में, लैंडमाइन होगा तो हमारी फुल स्टेप लग जाएगी। और इधर रहा बंदा, महाकल भाई थे ये बंदे, कहाँ है बंदे, कहाँ है, ऊपर से बंदे आ रहे हैं। और हेडशॉट के साथ डाउन, दूसरा बंदा ना मारे मेरे को, ओए 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 मार रहा बंदा, इसकी तो ऐसे की तैसी, रुको। ओ यही बंदे थे जो मतलब बहुत सारे किल कर रहे थे गाइस, अच्छे बंदे थे ये, अच्छे बंदे। पर ये भाग क्यों रहे यार, व्हाई आर यू रनिंग ब्रो, व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई 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 आर यू रनिंग ब्रो, ओए क्यों क्यों भाग रहे हो ब्रो, आई एम जस्ट अ एडम ब्रो, आई एम जहरीला नाग। बंदा मार रहा है गाइस, नॉट रनिंग, ही वॉज गोइंग इन कवर गाइज, ही वॉज नॉट रनिंग आई थिंक सो, बट ये क्या, वाई आर यू रनिंग नाउ, ये तो रियल है अब तो रनिंग कर रहे हो। बंदा कहाँ है कहाँ है, वो इधर आ गया, वाई आर यू रनिंग ब्रो, वाई वाई फैन से मार दूंगा ब्रो तुमको मैं, लॉल क्यों भाग रहे हो इतना, ए भाई रुक जाओ भाई, मर जाओ तुम, छोड़ दो मत रुको, तुम मर जाओ भाई, भाई मेरे से क्यों इतना भाग रहे थे भाई, ये कसम से इतना कॉप गाइस। भाई ऐसे कैसे भाग सकते हैं मतलब क्यों। लॉल इधर भी बंदा आ चुका है गाइस, पीछे से मार रहा है मेरे को, मारेगा बाबा तेरे को भी मारेगा अपन। छोड़ेगा नहीं किसी को भी, अपन को अपनी कहानी को एंड तक एंड मुकाम तक लेके जाना है। ठीक है, फेल नहीं होना है। एक BNL प्रैंक किया था जिसमें गाइस 12 किल करके मर गया था, और वो गाना सुना ही होगा आपने, ये गाना में थोड़ा सा मतलब हिंट दे देता हूँ, नहीं सुना है तो। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मार्कस चोर, ला 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 ला, मार मर गया बंदा गाइस। हमारी कहानी की ये जस्ट एक बिगिनिंग था गाइस, अभी एंड नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसी और भी कहानी सुनना है देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टोंडे गेमर पे ऐसे और भी कहानी आते रहेंगे गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ये कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो के अंदर हमारा लाइक से मैं 20K, एंड ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी देख पाए।
ठीक है, आप लोगों के साथ देख के इंजॉय कर पाए, ठीक है गाइज। एंड डिस्क्रिप्शन पे गाइज इंस्टाग्राम की लिंक है, हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, उधर भी बहुत सारे कहानीज हम आप लोगों को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना एक बार, और भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन पे। एंड अगर आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, बातें वातें करना चाहते हो, ठीक है, तो बुया लाइव एक करके ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एज सिंपली डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। उधर मैं 12 बजे से लेके 4 बजे तक सब्स गेम प्ले करता हूँ, बातचीत करता हूँ सब्सक्राइबर के साथ, और यूट्यूब से भी ज़्यादा कमेंट्स उधर रीड करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स रीड करता हूँ, मतलब एवरी कमेंट्स रीड करता हूँ ये समझ लो, ठीक है। तो बुया लाइव में फॉलो कर लो, उस टाइम मेरे को लाइव देखने के लिए आ जाओ गाइज। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो उधर मेरे को आ सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को मैं कल मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।